الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ أشقاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلبوه فاقروها فدمدم عليهم رب فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. سبحان الله. السلام علیکم. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم اپنی اس سحری میں اس ٹرانسمیشن میں بہت ہی خاص گفتگو کرنے جا رہے ہیں. ہمارا دل تو بہت دن سے تھا کہ ہم اولاد کے حقوق پہ بات کریں کیونکہ درمیان میں شہری سے بھی گفتگو ہوئی, عذرا تفنن بھی, ہنسی مذاق میں بھی ہم نے بہت ساری باتیں کی, انہوں نے اپنے بچپن کے قصے سنائے, لیکن کبھی کبھی یہ معاملات, یہ رشتہ اور جو اولاد کے حقوق ہیں ان سے ریلیٹڈ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ گھر خراب ہو جاتے ہیں. اور ہم بچپن سے یہ تو سنتے آتے ہیں کہ ماں باپ کا تقدس لازمی ہے, ماں باپ کی عزت لازمی ہے, ماں باپ کی آپ کو ہر بات سننی ہے, لیکن ماں باپ سے کب بیجا کوئی چیز ہو سکتی ہے, کب ماں باپ پہ کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اس بارے میں ہمیں زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. بالکل. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج اسے سبجیکٹ رکھتے ہیں. آج ہم اولاد کے حقوق پر بات کریں گے. جو ہمارے مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں, لیکن اس وقت میرے ساتھ یہ ایک بہت چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے, اس کا نام محمد سفیان ہے. اور محمد سفیان آج یہاں کسی خاص وجہ سے ہے. ویسے تو آپ کو اس کو دیکھ کر شاید اندازہ ہوا ہو, لیکن میرے خیال میں جب میں آگے انٹروڈکشن کرواؤں گی تو اس کے والد صاحب سے اور جو لوگ ہیں جو ان کے حوالے سے آج یہاں پر تشریف لائے ہیں وہ بات کریں گے اور آپ کو ان کے بارے میں
में बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली कामरान साहब, जो कि प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन से मुंसलिक हैं और वहाँ मैनेज करते हैं स्टूडेंट अफेयर्स को। आपको खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मान, आप सब जानते हैं आज के टॉपिक पर बहुत से सवाल जो आपके दिल में आएंगे, आपके जहन में हैं। कभी कभी औलाद को, बहैसियत औलाद आपके जहन में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं कि क्या मैंने ऐसा किया तो ठीक किया, खास तौर पे शादी के बाद वाले मामलात और फिर माँ बाप के साथ का रिश्ता, फिर और बहुत कुछ है जो आप मुफ्ती साहब से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सुफियान के वालिद आज हमारे साथ मौजूद हैं, शहबाज अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज साहब से हम पूछेंगे कि बच्चे के साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं, और भी हमने इनके बारे में मैंने काफी सुना, तो मैं जरूर इनसे मिलना चाहती थी और इनकी कहानी जानना चाहती थी, और अगर हम अपना कोई हिस्सा डाल सकेंगे तो जरूर इनके साथ गुफ्तगू भी करेंगे और अपने उस हिस्से को भी कोशिश करेंगे कि मुफीद बना सकें। शहरी, आपके जहन में कुछ है औलाद के हकूक के बारे में जो आप समझते हैं कि खास तौर पर आज जरूर हम डिस्कस करना चाहिए? बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि आपने इंट्रो में ही कहा कि औलाद कहाँ ठीक हो सकती है। वैसे तो माँ बाप जाहिर है हमेशा से ऑलवेज राइट होते हैं, लेकिन शादी के बाद के मामलात कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें हकूक कहते हैं डिवाइड हो जाते हैं, बेगम के अलग होते हैं, माँ बाप के अलग होते हैं, उस हवाले से आज हम बात करेंगे तो उसमें मुफ्ती साहब हमें बताएंगे। अच्छा, और भी चीजें मैंने देखी है, जैसे माँ बाप है उनकी औलाद हुई, दोनों में से अगर खुदा ना खास्ता वालदा दुनिया से चली जाती है और वालिद दूसरी शादी करते हैं, तब भी बच्चों के हुकूक जो हैं वो बड़े खराब होते हैं, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, उनकी तरबियत से रिलेटेड, उनके जिंदगी से जो नेसेसिटीज मिलनी है उनसे रिलेटेड। हमने देखा है कि जब माँ या बाप सौतेला जब उसके साथ लग जाता है ना, वैसे तो कई मिसालें हैं जहां लोगों ने बड़ा अच्छा अपने आप को प्रूव किया है, लेकिन सौतेला जहां पर हो जाता है वहां पर बच्चों के हुकूक बहुत मारे जाते हैं। दूसरा ये कि तरबियत पे बात होगी, क्योंकि हम अक्सर बच्चों को बुरा कह रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उनके पास्ट में जाए तो हम देखते हैं कि उनके घर की तरबियत ही कुछ खराब होती है। जो वालदा होती है वो अपने कामों में होती है, बाप अपने कामों में होता है, तो उस वक्त में जो बच्चा सीख के आगे प्रोड्यूस कर रहा है उसमें क्या उस बच्चे की गलती है कि नहीं, ये भी बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि बड़े होने के बाद सिर्फ उस एक बच्चे को कसूरवार ठहरा देना, और या फिर वो भी है वो अच्छी औलाद जो हमेशा सुनती है, बिल्कुल, और जो बुरी औलाद है यानी कंपैरेटिवली, हाँ, जो नहीं इतना सुनती वो हमेशा कमजोर से ज्यादा प्यार क्यों, कमजोर से ज्यादा प्यार क्यों। खैर, ये तमाम चीजें जो है हम डिस्कस जरूर करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे नात खां मौजूद हैं, अब्दुल हमीद राणा साहब, इनसे हम नात सुनते हैं। इंतजाम हो जाए हुजूर ऐसा, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ दे एक बार सब्ज गुंबद को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सब्ज गुंबद को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, हुजूर ऐसा, हुजूर आप जो सुन ले तो
बात बन जाए हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए मजा तो जब है फरिश्ते कब्र में कह दें जब है फरिश्ते कब्र में कह दें सभी मिदहते खैरुल अनाम हो जाए सभी मिदहते खैरुल अनाम हो जाए हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए अल्लाह बहुत दिल से इन्होंने पढ़ा और बहुत अच्छी आवाज बहुत अच्छी बहुत एक्सपीरियंस्ड नात खान लगे मुझे माशाल्लाह वाकईतन बहुत सीनियर और बहुत मोहतबर नात खान जी बहुत अच्छी आवाज आज हम औलाद के हुकूक पे बात कर रहे हैं लेकिन उससे पहले अली कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन और उस हवाले से अगर आप हमें थोड़ा सा ब्रीफली बता दें क्योंकि आगे हमारा फिर दूसरा सेगमेंट है उस जाने चलेंगे हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन इसका जो मेन जो हमारा मिशन था हम चाहते हैं कि वो बच्चे जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं लेकिन कामयाब भी हो जा रहे हैं अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं एंट्री टेस्ट पास कर लेते हैं लेकिन क्या होता है कि वो अपनी फ़ी नहीं पे कर पाते हैं मुश्किलात होती है तो हम क्या करते हैं हमारा वहाँ से काम शुरू होता है और हम उन बच्चों को फाइनेंस करते हैं पूरे एक साल के लिए और वंस वो हमारे पोर्टल में आ जाते हैं तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको मेडिकल है तो 5 साल के लिए फाइनेंस करेंगे इंजीनियरिंग है तो 4 साल बिजनेस मैनेजमेंट है तो 4 साल प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आप लोग सपोर्ट करते हैं वी डू दैट फुल टाइम यस वी डू अच्छा उसके लिए आपका कोई क्राइटेरिया होता होगा ना हाँ हमारा सर्टन क्राइटेरिया है ज्यादा इतना मुश्किल हार्ड एंड फास्ट नहीं है हमारे जो बच्चे की जो मंथली इनकम है उनके पेरेंट्स की है दैट शुड नॉट क्रॉस 35,000 से ज्यादा क्रॉस ना करे तो उन बच्चों को हम अकोमोडेट करते हैं और इंटरमीडिएट की परसेंटेज बहुत अहमियत रखती है तो हम 65 वालों को हम कंसिडर करते हैं लेकिन मैं आपको एक बार शेयर कर लूं कि हमारा जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं इट्स अबव 80-90% अच्छा हाँ इन फील्ड्स ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग बोथ अच्छा और हमने इस साल माशाल्लाह हमने हम शुरू जो हमने किया था वो तकरीबन 80 स्टूडेंट्स थे हमारे पास आज हमने इस साल जो हमारे 2016 में हमने 1200 स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है वाओ दैट्स अ ग्रेट जॉब और इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद आप बहुत इंपॉर्टेंट काम करें क्योंकि प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो बहुत ही लाजमी होती है और यहाँ पर आके हमारे बाकी सेमेस्टर फी और दीगर ऐसी चीजें होती हैं जो अफोर्डेबल नहीं रह पाती जी बिल्कुल पेरेंट्स होते हैं उधर आगे एक तरीके से हार जाते हैं बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और आज का जो दौर है उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन जरूरी है बीबीए एमबीए मेडिकल अब वो दौर खत्म हो गया जो बीकॉम बीए ठीक है जिसका नहीं है वो कर रहे हैं लेकिन अब जो है आज के दौर में ये चीजें बहुत जरूरी हैं बहुत जरूरी हैं तो शेरी हम पहले किचन में चलते हैं बिल्कुल जी किचन में चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारी शेफ क्या बना रही है चिकन में क्या बना रही है चिकन में क्या बना ये चीज आपने चिकन में क्या बना रही है क्लियर कर दी ल
लज्जत रमज़ान में शेफ राहिला के साथ एक बार फिर हम मौजूद हैं और ये मसाले और ये जो इस वक्त तमाम चीजें सामने रखी हुई है कुछ देखी देखी सी लग रही है, देखी देखी लग रही है। हमें आदत हो गई है, पता है जब अपने घर के किचन में जाएंगे तो मम्मी को बोलेंगे इसी तरह लगा के रखें। हाँ। जो बर्नियों में से निकाल निकाल के डालते हैं कौन सा खत्म कर रहे हैं। नहीं, और वही वही आप देखें प्याज भी है, कुछ आपको किसी चीज की याद नहीं दिला रहे, पहले से लग रही है, लग रहा है चार चार दिन का आप एक साथ ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको फ्रेश खिलाती है, खिलाती है फ्रेश प्याज। खैर, तो ये आज क्या बन रहा है चिकन में? व्हाइट स्टू बना रहे हैं। व्हाइट स्टू, व्हाइट कढ़ाई तो आपने खाई, हैदराबादी हमने खा चुके हैं, व्हाइट कढ़ाई खा चुके हैं, व्हाइट स्टू। हाँ हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्ट्रॉबेरी शेक है, और स्ट्रॉबेरी शेक है, ये स्ट्रॉबेरी कुछ और रखा हुआ है, ये तो चेरीज रखी हुई है। स्ट्रॉबेरी शेक खाने का था एक्चुअली, बाय मिस्टेक चेरीज आई, तो बस चेरीज शेक हुआ ना, वही परेशान हो गया मैंने कहा स्ट्रॉबेरी तो नहीं है, इतना कलर ब्लाइंड नहीं हो सकता मैं। हाँ वही है, चेरी शेक बन रहा है। चले फॉर अ चेंज देख लेंगे, स्ट्रॉबेरी शेक तो सबने ही पिया होता है, लेकिन चेरी शेक, चेरी का भी कोई शेक बनता है वैसे? Are you sure about it? ये तो नहीं है, ये टेक्निकल भेंट हो गया है, और इधर स्ट्रॉबेरी की जगह चेरी आ गई है, अभी कह रही है कि और कम करो। नहीं, आप पीजिएगा फिर बताइएगा मुझे। नहीं, अगर हो भी गया तो खैर होती रहती है टेक्निकल मिस्टेक, लेकिन बस वो बनाइएगा जो अंदर जाके जिसकी लड़ाई ना हो, नहीं होती ऐसा ना हो कि बस दूध का इसके साथ कोई जोड़ ना हो, उससे नहीं बनेगा, ये व्हाइट सोडा डालेगा या व्हाइट सिरप डालेगा। अच्छा, वो शेक था ना, तो आई थॉट कि शायद दूध डालेगा। अच्छा अच्छा, चले फिर ठीक है, फिर सही है, फिर रिस्क ले सकते हैं। और ये कैसे बनेगा व्हाइट स्टू? व्हाइट स्टू में हम ऑयल गरम करेंगे, सारे गरम मसाले डालेंगे, उसके बाद हमने प्याज फ्राई करनी है जी, उसके बाद हमने जो है चिकन डाल के गरम मसाले, स्पाइसेस हमारे सारे गरम, ये सावा धनिया है, जीरा है। अच्छा, जीरे को हमने भून के फिर पीसना है, इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो है गरम मसाला। ठीक है, हमने हाँ पिसावा हमने डाल के उसको भूनना है काफी दिन, जब तक प्याज पानी ना छोड़ दे, ये चिकन हल्का सा आधा गल जाए, फिर हम उसके बाद जो है वो दही डालेंगे, दही डाल में हमने स्टीम में रखना है, चिकन गल जाएगी, उसके बाद हमने फिर गार्निशिंग करनी है, फिर गार्निशिंग करनी है। लेट्स सी ये गार्निशिंग का रोल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, वो तो दिखने के अंदर होता है ना, देखिए जो आपने बना लिया वो तो बना लिया, लेकिन गार्निशिंग का रोल बताएं। रोल जाहिर है, जब आप प्रेजेंटेशन ट्राई करनी है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी तो जाहिर है मम्मी को बता दीजिएगा ना कि दिल से गार्निशिंग नहीं करती, वो सिंपल बना के ले आती प्लेटों में। अच्छा, रेगुलर रूटीन में जब आप खाते हो तो यही होता है, घर में कॉल लेनी चाहिए भाई, मेरी बड़ी ख्वाहिश है इनकी अम्मी की कॉल लेके इतनी प्रेजेंटेशन रेगुलर बेसिस नहीं होती, आप भी नहीं करती अपने घर में? नहीं, मैं हरा धनिया का इस्तेमाल जरूर, हरा धनिया तो डल जाता है, लेकिन भाई प्रेजेंटेशन होके भी आती है तो आप क्या करते हैं, आप यूं खा लेना। तभी मैंने आपसे पूछा कि प्रेजेंटेशन जरूरी होती है सिर्फ टीवी के लिए जरूरी होती है? नहीं नहीं, हर जगह। बस आप, मुझे लगता है कि ईद आपने अच्छी गुजारनी है ना, या अम्मी को गुस्सा दिलाना है? नहीं नहीं, इसमें अम्मी की बुराई नहीं कर रहा मैं, अम्मी इतनी प्रेजेंटेशन क्यों नहीं करती, लेकिन टेस्ट उनके हाथ में भी है, टेस्ट उनके हाथ में भी है। अगर आप कहीं जाएं, जैसे आप आउटडोर गए भी अपने शोज के लिए, और वहाँ अम्मी के हाथ का तो खाना होता नहीं है, बाहर भी आप शायद बहुत ज्यादा नहीं खाते, बहुत कम, तो आप क्या मिस करते हैं वहाँ पे? बहुत मिस करता हूँ, कि जब मैं घर से बाहर जाता हूँ मेरा वेट बढ़ जाता है। अच्छा। और घर में मम्मी को पता है, तो वो मेरा एक सिलेक्टेड रूटीन है, वो उससे नहीं हटती हूँ, उसी रूटीन पे रहती हूँ। नहीं भरता वो एक चीज रिपीट होगी भाई हमारी फील्ड में, या तो आप ये हो जाए, या तो इसको देख लें या फिर फील्ड को देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वक्त वक्त हुआ है कवाली का, और जो कवाल ग्रुप हमारे साथ मौजूद है, ये हमारे पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं, इंट्रोडक्शन में आपको दे दूं कि 750 साल से इनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक है, और शफीकुज़्ज़मान ताजी कवाल ग्रुप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे कवाली सुन। मकसूद तुई का
हर सूरत हर चेहस मौजूद तू पर दानी हो बुद तुई सुहानी रात थी कोई हद है कोई हद है कोई हद है कोई हद है।
बहुत खूब, बहुत ही अच्छे, बेहतरीन। औलाद के हुकूक पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ ये बच्चा सुफियान मौजूद है और इसके वालिद साहब शहबाज यहाँ पर मौजूद हैं। शहबाज भाई बताइए, क्या बेटे के साथ आप हैं यहाँ पर और क्या तबीयत सही नहीं है, मैंने सुना इसकी? हाँ, मेरे बच्चे को डॉक्टर साहब ने दिल में सुराख बताया है। पिछले 3 साल से किसी ने मुझे कहा था कि इसको कोई तकलीफ है। जब ये चलता है तो इसका सांस घुटता था और इसके जो नेल्स होते थे वो काले हो जाते थे और इसके लिप्स भी काले हो जाते थे। मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर में कोई बीमारी है। तो जब इसका इको करवाया तो पता चला कि इसके दिल में सुराख है। तो मुझे माशाल्लाह 8 बच्चे हैं और ये 3रे नंबर पर है। अच्छा जी जी, क्या उम्र है इसकी? इसकी उम्र तकरीबन 8 साल है। तीसरी क्लास में पढ़ता है अब। तीसरी क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो अभी आप अस्पताल लेकर गए इसको? जी जी है, लेकर गया। और उन्होंने 3 ऑपरेशन बताए हैं? हाँ, 3 किस्म के ऑपरेशन बताए हैं। एक तो सुराख है और दूसरी बात के इसकी जो हार्ट है वो लेफ्ट के बजाय राइट साइड पे है। दिल जो है वो सीधे हाथ की तरफ है, उल्टे हाथ की तरफ है। और उसके जो शरियाने हैं उनमें बहुत सारी बंदिश है, जिसकी वजह से उसके जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसमें जब ये घूमता है या कोई तेज दौड़ता है तो इसको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उसका जो निज़ाम है कुदरत वाले ने कुछ ऐसा बनाया है। तो 3 किस्म की ऑपरेशन बताए हैं। 3 किस्म के ऑपरेशन बताए जी। आप करते क्या हैं वैसे? मैं PhD टीचर हूँ। टीचर जी जी जी। कहाँ पर होते हैं आप ऐसे? कराची के रहने वाले? नहीं नहीं, मैं खैरपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अच्छा, खैरपुर से आप फिर कराची खास बच्चे के लिए आते हैं? बच्चे के इलाज के लिए आया हूँ। तो कौन से हॉस्पिटल में भी आप दिखा रहे हैं? आगा खान हॉस्पिटल में दिखाया है। अच्छा, आपने एक और वो जो सरकारी हॉस्पिटल है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज, वहाँ दिखाया? जी, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में दिखाया आपने? और NICVD? नहीं, ये जो वाटर पंप है? नहीं सर, उसका पता मुझे नहीं था। ठीक। और जो आप कह रहे हैं NICVD? हाँ। नहीं, वहाँ भी नहीं दिखाया? नहीं नहीं सर, एक ही जगह दिखाया। एक ही जगह दिखाया। इसकी कोई खास वजह थी? लोगों ने आपको रेकमेंड किया था? हाँ जी जी जी, क्या है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके जो ऑपरेशन है बहुत सीरियस है। अच्छा, इनके साथ एक और हमारे गेस्ट हैं, वो जब यहाँ पर मौजूद होते हैं तो उनको एक्चुअली और पिक्चर का क्लियर है कि क्या क्या सूरत हाल है, तो वो हमें बताएंगे। एक ब्रेक आ गया है, रमजान हमारा ईमान में, यहीं से हम शुरुआत करेंगे और फिर औलाद के हुकूक के हवाले से मुफ्ती साहब से जरूर बयान सुनेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, रमजान हमारा ईमान में आपको खुशामदीद कहते हैं। औलाद से रिलेटेड आज हमारा सब्जेक्ट है, औलाद के हुकूक पे हम बात करेंगे। मुफ्ती साहब से बात करने का भी मौका नहीं मिला है। हमारे साथ आज ये बच्चा मौजूद है जो 3 क्लास में है और मेरे ख्याल में इसको अब तक अपनी कंडीशन के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से बहुत कुछ पता चल गया होगा, क्योंकि बच्चों के सामने इतनी बातें हो रही हैं। वो हॉस्पिटल भी जा रहा है, वो TV प्रोग्राम में भी आ रहा है। तो सही हो ना? है हाँ। तो खैर, इसके वालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, शहबाज साहब। और जो मैं बात कर रही थी कि इनके बारे में पूरे तरीके से बताने के लिए हमारे साथ इनके रिप्रेजेंटेटिव और जो इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं वो हमें बताएंगे। लियाकत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं लियाकत भाई? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूं जी। कुछ चीजें इन्होंने बताई आपने सुनी और मगर सही आपको पता है, क्योंकि एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल का इन्होंने नाम लिया और ये कहीं गए नहीं है। क्या मामला चल रहे हैं? देखिए, बेसिकली जैसे शहबाज साहब ने बताया कि इनका इंटीरियर से ताल्लुक है और ये टीचर हैं और इनका ये बच्चा है डॉक्टर के पास, क्योंकि इसकी तबीयत खराब रहती थी तो डॉक्टर के पास ये लेके गए चेकअप के लिए। तो वहाँ पता चला कि इसके दिल में सुराख है और उस हवाले से फिर हमने काफी जो है ना इन्होंने मालूमात की, उसके बाद मुझसे इन्होंने रब्ता किया जी। और फिर हमने जाके आगा खान में जाके इसके चेकअप कराया, उन्होंने 17 लाख रुपए का बिल बना के दिया कि इसका जो
इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि तीन ऑपरेशन है जी जी, और इसके जो है ना 17 लाख रुपए के खर्चे हैं। उसके बाद फिर उनका एक वेलफेयर डिपार्ट होता है, फिर उससे हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी हम इसमें कुछ न कुछ कमी कर देंगे लेकिन पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो अब ये एक गरीब आदमी है, एक टीचर है, इसके पास इतनी इसके माली वसाइल नहीं है, तो इन्होंने फिर मुझे कहा कि आप क्योंकि एक सोशल काम करते हैं और आप लोगों की एक एनजीओ है वैल्यू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, तो आप इसमें मेरी हेल्प करें। तो उसमें कुछ यह है कि हम कुछ इनकी हेल्प करेंगे और कुछ हम यह है कि मुखैर हजरात से हम अपील करना चाहेंगे कि इस बच्चे के ऑपरेशन के लिए जो है ना हमारी हेल्प करें, ताकि जो है ना हम अपना इनकी हेल्प करें और जाके बच्चे का जो है सही तरीके से। पैसों की जरूरत है, जैसे 17 लाख थे इसमें, 17 लाख तो उन्होंने पहले बताए थे, तकरीबन 10-1 लाख रुपए के अखराजात जो है इस बच्चे को अगर हम इसका ऑपरेशन करवाते हैं, साफ जरिए ऑपरेट होगा, उसके बाद फिर मेडिसिन वगैरह चलेंगी, कराची के अंदर ये रहेंगे, तो तकरीबन जो है ना 10-1 लाख रुपए के खर्चा जो है ना आएंगे, इससे ऊपर भी बढ़ सकते हैं जो ना, लेकिन कोशिश हमारी है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ताकि इसका बेहतर से बेहतर तरीके से इलाज हो सके जो ना। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूँ, काफी अरसे से मैं सोशल एक्टिविटी कर रहा हूँ और मेरी एक वैल्यू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एनजीओ है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर यह है कि अगर कोई कहीं किसी को मेडिकल की हेल्प होती है तो हम उसके लिए जाके सपोर्ट करते हैं और फंड रेजिंग वगैरह करके उसकी भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा लीगल एड जो है ना सबसे ज्यादा मैं देता हूँ, क्योंकि जेलों में मैं जाता हूँ, वहाँ पे बेशुमार ऐसे बेगुनाह कैदी जो है छोटे छोटे केसेस के अंदर जो है ना बंद होते हैं, 188 है, और बेगुनाह जो है ना पुलिस उनको बंद कर देती है, हम उसके ऊपर भी जाके काम करते हैं और काफी तादाद के अंदर जो है ना मैंने कैदियों को रिलीज कराया है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, खवातीन के ऊपर तेजाब गर्दी है या शोहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद खुला के केसेस आते हैं या बच्चों के केसेस आते हैं, इसके ऊपर बल्कि अपने रूटीन के शोज में भी करते रहे और बहुत से लोगों को मैंने पर्सनल लेवल पर भी रिकमेंड किया है। और अल्लाह ताला आपकी नेकी कबूल फरमाए, आप काफी काम करते हैं। और ये जो बच्चे का मामला है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, वैसे बहुत लोग हैं जिनके सेहत के बहुत संगीन मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त जो है ये तो मैं तो इसे बहुत बहादुर कहूंगी, क्योंकि बच्चों के सामने मुझे लगता है कि इतनी बात जब करते हैं अजीब मुझे होता है। भाई क्या आप लोगों ने इसको वहाँ दिखाया है जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज? नहीं, वहाँ हमने नहीं दिखाया, क्योंकि हमने इसको आगा खान में दिखाया था, उन्होंने पूरा हमें वहाँ पर भी ये है कि हम भी बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करे वो अपनी, तो वहाँ पर भी बात की जा सकती है। वहाँ पर जो बड़े सर्जन हैं जितने भी हैं वो सब पर्सनली मुझे भी जानते हैं, तो वहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं डेफिनेटली। आप इसको परसू कर लीजिए, मतलब जो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं आज इसीलिए मैं आपके प्लेटफॉर्म पे हाजिर हुआ था और मैंने बात की थी, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें आप हमारी हेल्प करें ताकि इस बच्चे का जो इलाज हो सके। आप शहरी भाई और नुसरत साहबा भी जो है ना आप अपील करें ताकि जो है ना जो अगर कोई डोनर्स हैं इस बच्चे के इलाज के लिए जो है ना कोई हेल्प करना चाहते हैं, टाइम कम है तो उसमें यह है कि हमारी हेल्प भी करें और आपके भी अगर तालुकात हैं आप अगर इसको जानते हैं तो आप उसमें हमारी हेल्प करें ताकि इस बच्चे का इलाज हो सके। बेसिक यह है कि हमने इसकी जिंदगी बचानी है, जिंदगी बच जाए। उनसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं जी देखिए रमजान का महीना और डेफिनेटली आपकी एक छोटी सी नेकी जो है वो आपकी आखिरत में काम आती है, तो इस बच्चे का इलाज करवाएं, इलाज मेरा फिर आवास ने इलाज करवाएं आप इसका, और इलाज करें वो ट्रांसपेरेंट तरीके से कराएं। जहन में ये होता है कि जी फंड हम देते हैं लोग फंड का, नहीं ट्रांसपेरेंट कराएं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करके अगर आप अपने हाथ से इलाज करवाएंगे ना तो आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन होगी। बिल्कुल, आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब आप अपने हाथ से इलाज कराएंगे एक अंदरूनी जो आपको इनर सेटिस्फेक्शन होगी ना वो आप उस वक्त फील कीजिए। हमारे साथ उज़्मा की कॉल है, अस्सलाम वालेकुम उज़्मा। जी आपको भी मुबारक हो जुमे की। हाँ जी, आपका मौजू अच्छा बहुत अच्छा है, औलाद के हकूक जी, मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि जो औलाद अपने माँ बाप को यानी कि हर इज्जत हर चीज दे यानी कि उनका हर कहना माने और फिर भी वो माँ बाप अपनी औलाद को ना समझे, उनके हकूक को ना समझे, बताइए ऐसे में क्या फरमाएंगे हमारे हकूक के साथ? जी ठीक है, कैसे ना समझे, कोई एग्जाम्पल दे दे कि क्या मतलब औलाद सब कुछ करती है माँ बाप क्या नहीं। और एग्जाम्पल देते हम इज्जत करते हैं, हर जगह करते हैं, चाहे वो किसी अच्छा, आपका कहना ये है कि अगर आपके माँ बाप को या इस सिचुएशन में जैसे आपने बताया अगर कोई भी बहका दे औलाद के खिलाफ तो वो बहक जाते हैं। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया।
अच्छा ठीक है, अगर माँ बाप की इज्जत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बहकावे में आ जाते हैं, तो ये तो माँ बाप को दोबारा बाजार में या कहीं में बिल्कुल 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 ठीक है, हमने आपके सवाल नोट कर लिया, इसको जरूर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। अजय शहबाज साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है और जाहिर है ये यहाँ भी आया है, ये हॉस्पिटल भी जाता होगा, इसे अपने बारे में पता होगा, तो कोई ऐसी बात जो ये आपसे शेयर करता हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हैं, बच्चों के जहन में बहुत सी चीजें होती हैं जो हम उन्हें समझाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने हुस्न बयां दिया होता है, जैसे मुफ्ती साहब हैं, तो शायद ये उसे समझाएं, तो बहुत सी तकलीफें जो दिल में चल रही होती है ना, छोटा जहन है, छोटी बहुत बातें आ रही होंगी, तो क्या आपसे क्या कहता है आपका बेटा? मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा कभी कभी कहता है कि पापा मेरी ऑपरेशन होगी, मैं जिंदा रहूंगा। मैं बोलता हूँ इंशाल्लाह आप जिंदा रहेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जिंदा रहेंगे। ऐसे सवाल क्यों करते हैं वैसे आप, हैं इधर 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 इधर, आप तो मुझे देख के तो बिल्कुल बीमार नहीं लगे थे, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि आपको कुछ है, आपकी आंखें इतनी ब्राइट हैं, इतनी रोशनी है उनमें, इतने प्यारे से हैं आप, और जब अल्लाह ताला मुफ्ती साहब इनको ये बताए ना, अल्लाह ताला उतनी तकलीफ देता है जितनी इंसान बर्दाश्त कर सकता है। देखें इजाजत है, हाँ हाँ बिल्कुल आप बताएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। قال الله تعالى في القرآن المجيد رب حب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے رب مجھے صاف ستھری اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی ہے دعاؤں کو سننے والا۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، بے شک بیٹی رحمت بیٹا نعمت، لیکن اولاد ایسی نعمت ہے جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور رہی بات کہ زندہ رہنے کی نہ رہنے کی، تو زندہ تو کوئی بھی نہیں رہے گا، ہر ایک جان کو موت آنی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو بیٹا آپ سنیں غور سے نا، آپ سے بھی سنیں، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، اور کس سے ملنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا نا، اللہ اس سے ملنا نہیں چاہتا، اور جس سے اللہ مل لے تو پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس بات سے جو ڈرے نہیں، اور پہلی بات انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی والدین اور ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جو کل جمعۃ الوداع ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الجمعۃ سید الایام، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعۃ الوداع جو ہے وہ تمام جمعوں کا سردار ہے۔ تو آج کی رات ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہم کیا کریں، ہو سکتا ہمارے سننے والے کسی ایک ہی دعا بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچ گئے، اور میں نے بات کر رہا، اور بلکہ یہ خود دعا کریں نا اپنے لیے، بچوں کی دعا تو قبول ہوتی ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ کی گناہ بھی ایسے نہیں، کیوں انشاءاللہ آپ جس کے لیے بھی دعا کریں گے وہ پوری ہو جائے گی، آپ اپنے لیے دعا کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ میں جو سن رہے ہیں وہ یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کو جائے، آپ کا دیکھنا بھی، ان کی تڑپ کو سمجھنا بھی عیادت کے ذمرے میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ اگر صبح جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کو جاتا ہے تو رات تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کس کی؟ جو عیادت کو جائے، تو جو ہیلپ کرے، جو ان بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو آپ سوچیں ان کے لیے کتنے ملائکہ دعا کرتے ہوں گے، ان کے ساتھ کتنی صلہ رحمی ہوتی ہوگی۔ تو خدا را جہاں تک بھی آواز پہنچے گی، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، کہتے ہیں نا جس کی آنکھ نہیں اس سے پوچھو آنکھ کیا ہوتی ہے، جس کے کان نہیں اس سے پوچھو کان کیا ہوتے ہیں، ایسے ایسے اربوں کھربوں مل جائیں گے، دولت کے بے شمار انبار ہوں گے، لیکن کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ تو اولاد ایسی نعمت ہے کہ جس کی نہ ہی ہوتی نا اس سے پوچھا جائے۔ اور ویسے مفتی صاحب جس کی اولاد ہے وہ زیادہ اس معاملے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، بالکل جس کی نہیں ہے ان کا تو دکھ نہیں لگا، بالکل ان لوگوں سے بھی کہ یاد رکھیے کہ اولاد آپ کی ہو کسی کی بھی ہو، آپ کسی کی اولاد کے لیے آپ آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کا جو ہے نا معاملہ بہتر فرما دے گا۔ جو اصل بات میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا تھا مفتی صاحب، یہ جتنا اماؤنٹ بھی کوڈ ہو رہا ہے یہ کوئی اتنا زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ماشاءاللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ پاکستانی قوم ایسی قوم ہے، ایسی غیور قوم ہے کہ کبھی بھی چاہے اجتماعی طور پر پاکستان پہ مصیبت آئے یا انفرادی طور پر کوئی معاملہ خراب ہو، اگر پاکستانی قوم کو پتا ہونا کہ یہ پیسہ ہر جگہ پہ لگے گا تو وہ ایک لمحے دیر نہیں لگائے گی انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ آگے بڑھ کے کام۔ کمال الدین لاہور سے، السلام علیکم کمال صاحب۔ ہاں جی جی کمال صاحب، کیا کہنا چاہیں گے کمال صاحب آپ؟ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، آپ سنی رہے ہوں گے بالکل۔
चलो चलो सुन भाई, मैंने अब आपको जो मेरे पास से बता दिया। कमाल साहब आप पैनल पे नहीं है, आप ऑन एयर हैं, शहरी आपसे बात कर रहे थे, ये समझोगे अभी पैनल पे इनसे पूछा जा रहा है कि क्या बात है। साहब आपकी आवाज इस वक्त हम लोग सुन रहे हैं, ऑन एयर हैं आप, ऑन एयर, मैं नुसरत बात कर रही हूँ और ये शहरी आपसे बात कर रहे थे। हाँ जी मैंने बात की। अच्छा ये मैं समझ इनकी बात, ये किसी को बयान नहीं करना चाह रहे, जो उन्होंने खिदमत करनी थी। अच्छा वो बता दिया है, जहाँ तक मैं बात सुन में आई है ऐसा ही है, आप लोग देख लीजिए फिर अगर ऐसा ही है तो इनसे ऑन एयर बताना है इन्होंने। अच्छा ठीक है ठीक है, जो इन्होंने बात कही है वो हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, और किसी भी तरह की सपोर्ट हो जैसे इन्होंने किया, इन्होंने कुछ पढ़ने के हवाले से बताया है या और जिस तरह कहा जाता है, मुफ्ती साहब ने भी कहा कि हमारे जो लोग हैं इनके पास माशाल्लाह अल्लाह का दिया बहुत कुछ, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनकी औलाद किसी बीमारी में किसी आरी में, वो उस वक्त सोच सकते हैं कि अगर आपकी औलाद की भी अल्लाह ताला इसी के सदके में जो है वो आपको आपकी औलाद को सेहतियाबी मिल सकती है तो आपके लिए 10 लाख 12 लाख कुछ नहीं है। और अगर आपके दिल में ये है कि जी आपका पैसा सही जगह नहीं लग रहा तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ एक दफा खुद करके देखिए, खुद कर लीजिए, हाँ। करके देखिए आपको इतना सुकून मिलेगा। देखिए आप बहुत से लोग जैसे लियाकत भाई भी इस बात से जरूर इसके बारे में बताएंगे, ये है या और लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो तो आप इनवाइट करते हैं कि आप आइए भाई आप हमारे साथ चलिए आप हमारे साथ काम कीजिए आप देख लीजिए सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है। तो इतने पैसे तो हम ट्रेवलिंग पे बाहर की फॉरन शॉपिंग पे और दीगर चीजों पे लगा देते हैं हम, मैं सिर्फ अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए, तो अगर उसमें से आप 10 लाख 12 लाख रुपए निकाल देंगे तो कोई इतना बड़ा आप पे वो नहीं आएगा। अपना जो भी हो सके इनपुट, जो इनपुट हो सकता है आप अपना इनपुट दीजिए। और अगर आपके दिल में ये है कि जी मीडिया पे बैठ के कुछ ऐसी कोई बिजनेस चल रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आए अपने हाथ से करा, मैं कहूंगा अपने हाथ से ही कराए। देखिए हदीस पाक में रसूल फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह की राह में एक रुपया एक आना खर्च करता है अल्लाह से 10 दुनिया 70 आखिर में अता फरमाता है। ये तो आम दिनों की बात है, ये तो रमजान का वो महीना है, आप इसमें आप जितना खर्च करेंगे अल्लाह दुनिया में भी दे देगा और आखिर में इसका बेमिसाल अता फरमाएगा। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये मालूमात लेना चाहता हूँ कि ये राव मुराद साहब है रावलपिंडी से खा रहे हैं, इनको क्या जिनका मसला है क्या इशू है। जी हमने ऑन एयर बताया था, अभी एक ब्रेक है, उसके बाद जब हम दोबारा ऑन एयर आते हैं तो आपको बता देते हैं। अच्छा चले अभी अभी हम आपको बता देते हैं, ऑन एयर बता देते हैं, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। इनका मसला क्या है वो जरा दोबारा आप में से कोई बताना चाहेगा। बिल्कुल इनका मसला यही है कि बच्चा काफी छोटा है और इनके दिल में सुराख है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है और 10 से 12 लाख रुपए की कमी है, और अगर आप उसमें जो भी आपकी हैसियत उस लिहाज से अगर आप करेंगे तो इसका अजर आपको देगा, हम क्या देंगे। अच्छा राव मुराद साहब के मैंने मुझे सही से समझ में नहीं आई थी, मेरे ख्याल में कुछ हेल्प भी करना चाह रहे बिल्कुल, थे बिल्कुल। तो अगर आप हेल्प करना चाहते हैं आप हमारे पैनल पे भी अपना नंबर छोड़ सकते हैं या बात कर सकते हैं, इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हमारे साथ लियाकत साहब मौजूद हैं और हमारे साथ ये बच्चा भी मौजूद है, इसके वालिद साहब भी मौजूद हैं, आप हमें दोबारा कॉल कर लीजिएगा, एक ब्रेक फिर हम वापस आते हैं। रमजान हमारा ईमान में आपको खुशामदीद कहते हैं, और आज हमारे साथ ये बड़ा ट्रैजिक होता है, ये फीलिंग बड़ी ट्रैजिक होती है जब आपकी औलाद बीमार हो और आपको कोई सामने ऐसी चीज नजर ना आ रही हो। बेशक अल्लाह ताला मदद करने वाला है और अल्लाह ताला ही असबाब पैदा करने वाला है और इन लोगों की भी मदद, ये मोहम्मद सुफियान मेरे साथ मौजूद हैं, इनके वालिद शहबाज मौजूद हैं, अल्लाह करेगा अल्लाह ताला इनके लिए भी राहें खोलेंगे। और जैसे शहरी ने भी यहाँ पर कहा, आप लोगों की भी कॉल्स आई सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए, लियाकत अली खान साहब एडवोकेट भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इनके हवाले से काम कर रहे हैं। लियाकत साहब मैं चाहती हूँ कि हम इस सब्जेक्ट को यहाँ पर कंक्लूड कर दें क्योंकि फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। देखिए हम तो आपके पास यही उम्मीद लेके आए थे कि आप भी हमारी इसमें सपोर्ट करें ताकि इस बच्चे का जो इलाज है हम जल्द से जल्द करवा सकें, क्योंकि एक तो इनके यहाँ रहने की जगह नहीं है, ये सिंध से आए हुए हैं, और दूसरा अभी कहाँ रह रहे हैं ये, अभी इनके रिलेटिव उसके पास हैं। अच्छा तो अब ये है कि हम हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है कि ईद के बाद, क्योंकि अभी रमजान भी खत्म हो गया, ईद के बाद जो है ना ताकि हम इसका अपडेट करवाएं और ये बच्चा सही सलामत होकर वहाँ अपने घर पहुंचे और अपने बहन भाइयों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ जाकर जो है एक अच्छी जिंदगी गुजारें। और जिस तरह के वो मायूस कुन अल्फाज अपने वाले साहब से बात करता है कि पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बच्चे की जितनी हेल्प कर सकते हैं हम करें जो ना, और ये रमजान का महीना है, अगर हम इस बच्चे की हेल्प करेंगे तो हमें उसका सवाब मिलेगा। और वैसे भी साहब ऐसे बहुत सारे लोग हैं
और अगर इसकी हेल्प कर देंगे तो उनके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये भी होता है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, टेलीविजन पर भी आके कमिट कर देते हैं, वैसे भी कमिटमेंट कर लेते हैं, लेकिन वो वादा वफा नहीं हो पाता। मैं यही कहूंगा, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप कर दें। अगर बाकी है कि आप वादा करके उसके बाद मुकर जाएं तो ऐसे जो है ना अच्छी बात नहीं है। किसी की दिल आजारी करना, या अगर आप करना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए तो ना आप आ जाएं, वही हॉस्पिटल के अंदर पैसे जमा करवा दें, आप अपने साथ खड़े होकर इसके जो मेडिसिन के इलाज के पैसे हैं आप उसमें करें। हम भी तो कोशिश कर रहे हैं जो ना, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप हमारा साथ दें और ताकि इस बच्चे का जो है ये मसला हल हो जाए। देखिए जी, खुद कह रहे हैं कि आप इनके साथ जा सकते हैं, अगर आपके दिल में जज्बा है। वही बात जो शहरी ने की कि अगर आप वाकई चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आप खुद या आपका कोई भी शख्स, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपका इनके पास जा सकता है। कह रहे हैं डायरेक्ट हॉस्पिटल को पे कर दें, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है कि दिल भी मुतमईन रहेगा। जी मुफ्ती साहब, बात ये कर रहा हूँ कि बात इनकी ऐसी है कि कुरान में हमने फरमाया लिमा तकूलु मा ला तफअलून, तुम वो काम क्यों कहते हो इस पर खुद अमल नहीं करते। तो अगर आप वाकईतन दयानतन अगर आपकी नीयत है कि इनके साथ हेल्प करने की तो खुदारा इनकी हेल्प कीजिए, यानी कि मदद कीजिए अपने भाई समझकर। ये नहीं कि इनका मजाक या आप ये इस बात को आपने सिर्फ अपनी नमूद नुमाइश के लिए बयान कर दिया कि लोग जान लें कि भाई मैंने भी ये काम किया या मैंने अपना नाम बढ़ाया है। तो खुदारा इस चीज को समझिए। ठीक है, और सुफियान आपकी तबीयत इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, फिर हम आपसे जरूर मिलेंगे। सुफियान या सुफियान जितने भी बच्चे हैं उनको खुसूसी तौर पे दुआओं में याद रखिए। अभी तो ताकरातों का सिलसिला भी जारी है, रमजानुल मुबारक के चंद आयाम बाकी हैं, तो आप सब इन बच्चों को अगर कुछ नहीं कर सकते तो दुआओं में जरूर याद रखें और थोड़ी आपने हिम्मत करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और कुछ और मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जैतन का गुलाम हूँ मैं तो, तुम जैतन का गुलाम मैं। मुझ पे कितना नियाजी करम हो।
سبحان اللہ حافظ محمد گوہر رانا لیکن مجھے ان سے ایک بات بھی کرنی ہے آپ نے بہت بہت اچھا پڑھا اور بہت دل کو لگا پڑھتے بہت سارے لوگ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اثر کسی کسی کو دیا ہوتا ہے شاید بہت بہت اچھے اور جب والد صاحب سامنے موجود ہوں جو کہ خود بہت فیمس ہوں بہت اچھی نعت خوانی کرتے ہوں تو ان کے سامنے ڈر لگتا ہے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ غلط ہو گیا تو ابا نے بعد جو ہونا ہے وہ ہونا ہے ابا نے بھی ڈانٹنا کیونکہ جو غلطیاں کوئی نہیں پکڑ سکتا وہ استاد ہی پکڑتے ہیں تو پھر گھر میں جا کے کلاس ہوتی ہے کہ آپ نے وہ چیز چھوڑ دی تھی وہ چیز نہیں پڑھی آپ نے پھر وہ کلاس بعد میں ہوتی ہے نہیں انہوں نے آپ کا انٹروڈکشن ایسے کرایا تھا کہ آپ نے بہت اچھا آپ پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے والد اور والدین کی جو رائے ہوتی ہے نا اس میں کبھی کبھی تھوڑا سا ہوتا ہے اپنی اولاد تو سب کو اچھی لگتی ہے لیکن آپ نے پڑھا بہت اچھا ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے لیے سب سے بہترین صدقہ اور عطیہ یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہو تو معلوم کیا چلا کہ اگر باپ اچھی تربیت کرے گا تو اللہ کی دربار میں یہ صدقہ اور عطیہ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے اولاد کسی تربیت یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو بھی نعت خواں بنایا اور ماشاءاللہ بیٹے کو بھی تو یہ تربیت کا ایک نتیجہ جو آپ کے سامنے اور اتنے بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا بچے تو ماں باپ ویسے ہی سامنے بیٹھ کے ان کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ فارغ ہوں گے تو ہم گھر جائیں گے تو جبکہ بچوں میں یہ اتنا نہیں ہوتا بچے کہتے ہیں اچھا چلے میں چلا جاؤں مجھے بڑی وہ ہو رہی ہے آپ آ جائیں گے نا آپ آ جائیں گی نا لیکن یہ ماؤں کی بھی ریسپانسبلٹی بیٹی اندر پیپر دے رہی ہے ماں باہر بیٹھی ہوئی ہے اور یہی والدین کی مطلب یہ ریسپانسبلٹی ہے کمال تو یہ ہے نا کہ کچھ بچے باپ سے پہچانے جاتے ہیں کہ بھائی تمہارا باپ کتنا بلند تھا لیکن کمال یہ ہے کہ جب باپ جو ہے نا اپنی اولاد سے پہچانا جائے کہ تمہاری اولاد کتنی بلند ہے تو کمال یہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ ہماری دو اور مہمان ہیں جنہوں نے اس وقت ہمیں جوائن کیا سروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک اور ڈاکٹر انیکا ہمارے ساتھ ہیں اور آج کے ٹاپک کی مناسبت سے ڈاکٹر انیکا کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ ہے تو اس سے آپ کی بعد میں ملاقات کرواتے ہیں وہ دور بیٹھا ہے دور سے بچے اشارے کرتے رہتے ہیں کر رہا ہے اشارہ بالکل میں بھی کر رہی ہوں ہو رہی ہے اس کو اچھا ٹھیک ہے تو ہم اپنے سبجیکٹ کو آگے لے کر چلیں گے ابھی ہم بھرپور اس پہ ڈسکشن کر نہیں پائے ہم نے کچھ کچھ پوائنٹس کی ڈسکشن کی تھی اور اولاد اور والدین کا تذکرہ بھی کرنا ہے اولاد کے حقوق پہ بات بھی کرنی ہے ایک بریک اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ اللہ کے حبیب شاہ انبیاء سے مانگ اب تک کہاں اندھیروں میں روشنی کی چاہے نور خدا سے مانگ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میں بن کے سوالی میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا مجھے نظر کرم کی بھیک ملے مجھے نظر کرم کی بھیک ملے مجھے نظر کرم کی بھیک ملے آقا بھیک ملے آقا بھیک ملے کبھی ملے ہم کے
सारी बचा गुना हमें गुजरी है जिंदगी सारी मैं तुझको भूल गया था ऐ रहमते बारी मैं तुझको भूल गया था ऐ रहमते बारी महाकाल सही फिर भी खुश नसीब हूँ मैं खुश नसीब हूँ मैं शरीक उम्मत आली मैं हबीब हूँ मैं शरीक उम्मत आली मैं हबीब हूँ मैं खाक बन के फिजा में बिखर गया होता मैं खाक बन के फिजा में बिखर गया होता वसीला तेरा न मिलता तो मर गया होता भीख मिले आता भीख मिले आता भीख मिले आता भीख मिले करम की भीत में ये जोड़ी खाली लाया मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है रसूल अल्लाह यह भी मिले आता भीख मिले
सिरे दामे सिया है अलसनी या रसूल अल्लाह मुसलमानों के रखवाले खबर लेके सुनावाले मुसलमानों के रखवाले खबर लेके सुनावाले ये उम्मत जिसमें भेजा है अलसनी या रसूल अल्लाह سبحان اللہ کیا بات ہے بہت خوب بڑی بڑا اثر تھا آپ کی آواز میں بہت دل سے اور آج اور زیادہ توجہ سے سنا ہے سب نے ہاں آپ لوگ تو سنتے ہی تھے آج جس طرح بالوں نے بھی توجہ سے سنا ہے اچھا یہ عرفانہ کلام میں ہمیشہ بڑے غور سے سنتی ہوں اور یہ ہمیشہ دل پہ بہت اثر بھی کرتا ہے اور یہ پڑھنے والے بھی جس جذب اور جس کیفیت میں پڑھتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے لائق تحسین بالکل اور کھانا بہت مزے کا تھا ہمیشہ کی طرح ختم ہی ہو گیا ہاں ختم ہو گیا آپ خالی بول دکھا دیں بھائی خالی ہو گیا کچھ ہے بھی باقی نہیں وہ الگ ہے جو ہماری شیف نے بنایا وہ تو ختم ہو گیا اور آج انہیں باہر کا یہ قورمہ بھی ٹرائی کیا تو یہ بھی اچھا تھا بھائی لیکن جو انہوں نے بنایا وہ واقعی بہت مزیدار بہت اچھا بنایا سب ختم کر دیا ہم نے آپ گلاس وغیرہ بچا نہیں ہے سب گلاس دکھانے کے نشانات رہ گئے ہاں نشانی رہ گئی ہے لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں یہ عمارت عظیم تھی اوہو کیا بات اچھا یہ کون ہے یہ میرے صاحبزادے ہیں محمد زریاب ماشاءاللہ اور زریاب نے اتنی اچھی شیروانی پہنی آج آئے تھے اپنی اماں کے ساتھ تو یہاں پر بھی آگئے ہے نا لاسٹ ٹائم بھی آئے تھے نا لاسٹ ایئر تو ان کا پورا سال انتظار تھا اور اس نے مجھے لاسٹ شو پہ بولا کہ آپ مجھے کیوں نہیں لے کے اور امیوں کا یہی ہوتا ہے ابھی ابا کسی کو لائے ہوتے ہیں نا تو وہ بچہ جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے اما کے ساتھ آئے گا تو وہ سب جگہ اس نے آ جانا ہے ہے نا اچھا اولاد کے حقوق پہ ہم بات کر رہے تھے اب کیونکہ وقت ہمارا اتنی ساری چیزیں تھیں کہ اس طرح سے ہمیں میسر نہیں آیا لیکن آپ سے شروعات کرتے ہیں جو بیان آپ فرمانا چاہیں اس حوالے سے ہماری کالر نے بھی کہا کہ وہ اولاد جو بہت فرما بردار ہو لیکن ماں باپ تب بھی دوسروں کے بہکاوے میں آ کے اسے اچھا نہ جانے تو اس کے بارے میں کیا ہے یہ ان کا سوال تھا اس پہ بھی آپ روشنی ڈال دیجئے اور اوورال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور میں آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو نصرت اور پورے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں شب جمعہ بھی ہے بڑے فضائل ہیں یوم جمعہ کے بڑے فضائل ماہ رمضان مبارک کی تعلقاتوں میں سے ایک رات بھی ہے اور اس کے علاوہ جمعۃ الوداع جیسی عظیم ساعتیں بھی ہم سے بہت قریب قریب آ رہی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام تر برکتوں اور رحمتوں سے فیضیاب ہو سکیں مستفید ہو سکیں ٹاپک تو آپ کا بہت اچھا ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کیونکہ کبھی اولاد کے حقوق والدین پر ہوا کرتے ہیں اور کبھی والدین کے حقوق اولاد پر ہوا کرتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وبالوالدین احسانا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اسی طریقے سے والدین کے اوپر بھی پروردگار عالم نے کچھ اولاد کے حقوق واجب فرمائے ہیں جن میں سے بہت سارے مجھے یقین ہے کہ پہلے کی بھی گفتگو میں آ چکے ہوں گے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کے لیے بہترین نام تجویز کرنا اسی طریقے سے جب بچہ شکم میں ہوتا ہے تو زمانہ حمل میں ماں کے لیے بہترین گردانا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کی جانب نہ جائے اپنے آپ کو تلاوت قرآن میں ذکر و اذکار میں مصروف رکھتے تاکہ وہ روحانیت وہ معرفت اس بچے کے اندر آ سکے اور جب بچہ اس دنیا میں آ جائے تو اس کے لیے بہترین ایک پاک و پاکیزہ ماحول میسر کرنا تاکہ وہ بچہ اس صحیح راستے پر چل سکے جو کہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا راستہ ہے آپ کی کالر نے کہا کہ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں والدین کبھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں خفا ہو جاتے ہیں کیا ہمیں صحیح سمجھی ہو نہیں انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی دوسروں کے بہکاوے میں بچے بہت اچھے ہوتے ہیں بہت فرما بردار ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے بہکاوے میں آ کے والدین ان کو غلط سمجھتے ہیں جبکہ اولاد بہت فرما بردار ہے بہت اچھی ہے بہت عزت کرتی ہے ماں باپ کی تو ماں باپ ایسا کیوں کرتے ہیں ان کے لیے کیا یعنی قدر نہیں ہوتی یہ میرے خیال میں کوئی انڈیویجول کیس بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ان کے ساتھ ہوا ہو جس کی بنا پر انہوں نے آپ سے یہ سوال پوچھا ہو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں والدین کا دل سمندر سے زیادہ وسیع ہوا کرتا ہے ایسا سمندر کہ جس میں اولاد کی ساری خطائیں
सारी गलतियां सब कुछ उसके अंदर चली जाती हैं और वालिदैन एक मुस्कुराहट पर एक सॉरी पर सब कुछ भूल जाया करते हैं। और औलाद का दिल में तो कभी कभार देखती हूँ बड़ा सख्त हुआ करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए तमाम औलाद को भी कि वो अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन हो। और वालिदैन से भी दरख्वास्त है कि अगर कोई दूसरा आपकी औलाद के लिए आपको मिसगाइड कर रहा है, आपको खुदा ना खास्ता भड़का रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि यही वो आपकी औलाद है जो यहाँ से लेकर कयामत तक आपको साथ देगी। अच्छा, वैसे एक बात है सरवत साहिबा के वालिदैन की अजमत पे तो कोई सवाल नहीं है, जाहिर है ना उठाया जा सकता है, लेकिन वो भी वालिदैन ही होते हैं जो अपनी औलाद को आग करते हैं, वो भी वालिदैन ही होते हैं जो उन्हें घर से निकालते हैं यूजुअली, या वो भी वालिदैन में से कोई एक होता है कि जब उसकी दूसरी शादी हो जाए तो वो अपने हम सफर की वजह से अपनी औलाद को बहुत टफ टाइम देता है। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जिन्होंने दूसरी शादी की तो अपने बच्चों की तालीम पर भी कोई तवज्जो नहीं दी, उनके करियर पर भी कोई तवज्जो नहीं दी, उनकी जबरदस्ती कहीं और शादियां भी करवाई और फिर शादियां अपनी मर्जी से करवाने के बाद उन्हें घर से भी निकाल दिया। देखिए, जाए मुकाफात है नुसरत, और दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद है जो मेरे और आपके लिए बाईस इबरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हमेशा अच्छी मिसालें और अच्छे वाकयात दिखाए और हमेशा उसकी दुआ करनी चाहिए। और वालिदैन को भी परवरदिगार आलम हुक्म देते, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है अदालत। अगर आप अपनी जिंदगी में बेहतरीन अदालत से काम नहीं लेते तो आप ना अच्छे माँ बन सकते हैं, ना अच्छे बाप बन सकते हैं, ना अच्छी औलाद बन सकते हैं, ना अच्छे बहन भाई, ना अच्छे रिश्ते, ना अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर आप अपनी जिंदगी में अदालत से काम लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कभी भी किसी के लिए ना इंसाफी जी। सरवत बहन ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन देखें बात यह है कि माँ बाप जैसे भी हों, कुरान में हुक्म ये कि उनके सामने उफ भी नहीं करना। इससे मुराद क्या है कि भाई तुम्हारे वालदैन तुम्हें से सिला रहमी करें या ना करें, ठीक है, आपका काम ये कि उनकी अताअत और फरमाबरदारी में अपना वक्त गुजारना, एक बात। दूसरी बात जो आपने बात कही ना कि भाई औलाद के माँ बाप के क्या हुकूक है, औलाद के क्या हुकूक है, तो माँ बाप औलाद के लिए क्या खर्चा करे, तो याद रखिएगा जिस हुकूक उन्होंने बताया एक ये भी है कि वो अकीका करें उनको, ठीक है, क्योंकि हर जो बच्चा औलाद पैदा हुई सातवें दिन उसका अकीका कर दे, ये भी हक है। लेकिन अगर ना ही कर सकता तो औलाद बड़ी हो जाए तो वो खुद भी अपना अकीका कर सकती है, ये बात याद रखिएगा जी। दूसरी बात ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में माल खर्च करना, किसी मिस्कीन के ऊपर माल खर्च करना, उनमें सबसे बेहतर माल वो है जो इंसान अपनी औलाद पे खर्च करता है। क्या मुराद है, क्या मुराद है कि आप ये देखिए कि ऐसा सदका यानी अल्लाह की राह में बंदे खराब क्या, अल्लाह वो भी कबूल फरमा रहा है, किसी गरीब मिस्कीन की आपने बात की अल्लाह वो सदका भी कबूल फरमा रहा है, लेकिन ऐसा सदका जो अपना या जो ऐसा माल जो अपनी औलाद पे बंदा खर्च कर रहा है, अल्लाह उन सब क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा पसंद उस माल को कर रहा है जो बंदा अपनी औलाद में खर्च कर रहा है। लेकिन इससे यही मुराद भी नहीं है कि अगर बच्चे की तालीम में या बच्चे के रिहाइश में ऐसा माल इस्तेमाल करना है जो काफी है, वो उसको बहुत ही ज्यादा गुजारा कर रहा है, यानी कि अगर उसका गुजारा आम गाड़ी में हो सकता है, मामला खराब हो जाए उसके, यानी कि तरीके खराब हो जाए, वो गरीबों को यानी उनकी तसल्ली करने लग जाए, तो असल बात यहाँ तरबियत जो है ना, तरबियत का सबसे अहम जो उनका रुकन है बच्चे के किरदार पर है कि बच्चे का किरदार ऐसा होना चाहिए कि जब वो उठे तो मिसाल के तौर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, आपके बारे में आता है कि जब आपकी वालदा आपको लेके गई ना काजी साहब के पास तो कहा कि इसे कुरान पढ़ा दी, तो पहला पारा शुरू किया तो बेटे ने कहा मुझे आता है, तो फरमाया दूसरा पारा शुरू किया, फरमाया ये भी मुझे आता है, इस तरह 15 पारे उन्हें हिस्स थे। क्या बेटे ना तेरी उम्र है और ना तू इतना बड़ा है तो ये 15 पारे हिस्स कैसे हो गए, तो बड़ा प्यारा जवाब दिया बच्चे ने, कहा बात इतनी सी है कि मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो फिर वो कुरान वजू करती और कुरान पढ़ती जाती, वो कुरान पढ़ती जाती मुझे सुनता, मेरी माँ 15 पारे की हाफिजा थी, इस तरह मुझे 15 पारे हाफिज हुए। तो बात क्या है, जब तरबियत अच्छी होगी ना मामलात अच्छे बदल जाएंगे, क्योंकि याद रखिए तरबियत बहुत जरूरी है। इसी तरीके से माँ बाप का हक है, फर्ज है, ये तो माँ बाप के हुकूक और फराइज़ हैं, मैं दोनों बता औलाद के बताए जी, औलाद की बता रहा हूँ कि अब औलाद का मामला ये है कि औलाद को अच्छी तरबियत देनी है, औलाद को मामला देखने के औलाद क्या कर रही है, किस तरह जा रही है, ये नहीं है कि आपने सिर्फ उसको पैसा दे दिया कि ठीक है तुम जो जीना चाहो जीते रहो, नहीं, आप पर आपसे पूछा जाएगा कि तुमने अपने औलाद पर जो माल खर्च किया वो औलाद तुम्हारी उस तरीके के दीन पर चली कि नहीं चली, नेक रस्ते पर चली कि नहीं चली, अगर इस तरह चलिए तो माँ बाप की छूट है, लेकिन अगर माँ बाप ने उसको वो पैसा देकर
या माल लेके समझ ले कि मैं अब बरी हूँ और वो माल उसने गलत जगह में लगा दिया या मामला सही नहीं रहे हाँ। तो उसका गुनाह माँ बाप के सर पे भी और औलाद के सर पे भी। जो माँ बाप किसी मतलब वैसी तंगदस्ती वगैरह है और इतने सारे बच्चे हैं उस पे अफोर्ड नहीं कर पाते कि उनको कोई तालीम दे सके या सेहत का ख्याल रख सके, कहीं कहीं तो मजबूरी होती है और कहीं कहीं इन सारी चीजों से फरागत भी चाहिए होती है। देखिए म्याना रवि तो रखनी है माँ बाप के सब औलाद। जल्द से एक बात कहना चाहती हूँ, मलाइक ऐनाक फरमाते हैं कि दुनिया की हर बुराई गुर्बत और जहालत की गोद में परवान चढ़ती है। तो अगर और सबसे सामने की आसान साफ बात यह है कि नहो जिसको ख्याल खुदा आप अपनी हालत बदलने का, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। तो सबसे पहली बात तो यह कि गुर्बत और जहालत जो कुछ भी है, लेकिन इंसान खुद कोशिश करे कि वो अपनी औलाद की बेहतरीन परवरिश बेहतरीन तरबियत करे। इसमें यह भी है कि अगर आपके वसाइल नहीं है, जैसे आप बात कह रही थी, तो बहुत सी चीजें होती हैं जो कि वसाइल की मोहताज नहीं है। जैसे आप अपने बच्चे से जब बात करते हैं तो आप उसे क्वालिटी टाइम देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चों में बहुत से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, शुरू से उनकी शख्सियत मनफी होती है। यानी अगर माँ बाप घर का अच्छा माहौल ही दे दें कि वालदैन के दरमियान में ज़हनी हम आहंगी हो, वो छोटी छोटी बात पे इख्तलाफ ना करें बच्चों के सामने, उनकी तजलील ना करें और एक दूसरे की तजलील ना करें, तो ये आपके घर के माहौल पे एक बहुत पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ता है। बच्चे वही नक्शे कदम पे चलते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप तालीम दे रहे हैं तो दुनिया की नहीं दीनी तालीम भी। अब हमें से सभी कोशिश करते हैं जब बच्चा बोल रहा है तो उसको अल्लाह भी सिखाते हैं बोलना। पहला लफ्ज आप सिखाते हैं, बोलो अल्लाह, फिर वो बोलता है अम्मा, फिर जब आप थोड़ा देखते हैं बड़ा हो रहा है तो आप उसको कलमा भी सिखाते हैं। तो जो हमारा माशरा है, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग एक इस्लामी माशरे में है और हम इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हैं। मगर एज अ डॉक्टर जो मैं चीज देखती हूँ कि बहुत से बच्चों में ये जो मसला पैदा होता है कि वो जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी शख्सियत मनफी रुझान की तरफ ना जाए, ये जरूर देखना होता है कि बच्चे के साथ बातचीत आप अपनी रखिए, उनके मसाइल को सुनिए, उनकी काउंसलिंग करिए और उनको बहुत चीजों में ब्लेम ना करें ताकि वो छुपाने ना लगे अपनी चीजें, शेयर करें। और मुफीदा मुझे बताइएगा, जैसे नुसरत ने एक बात कही थी कि अगर बच्चे ज्यादा हैं और वो तालीम नहीं दे पाए तो अक्सर एक चीज होती है कि जैसे बड़ा बेटा उसको पढ़ा दिया, उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनमें एक एहसास कमतरी भी आती है, लड़का और लड़की के बीच में एहसास महरूमियत भी आती है और फिर वो शिकवा करते हैं, तो उस पे क्या कहते हैं? अच्छा, लड़की लड़की की पहले बात कर लूं फिर आगे बताऊं। लेकिन रसूल फरमाते हैं कि बेटियों को बुरा मत कहो, क्योंकि मैं भी बेटी वाला रसूल फरमाया बेटियों को बुरा मत कहो, मैं भी बेटियों वाला हूँ। और एक और हदीस में तिर्मिज़ी शरीफ के हुज़ूर फरमाते हैं जो बेटी और बेटे में फर्क ना करे और उनके हुकूक एक दूसरे के जो हुकूक हैं वो बिल्कुल सही अदा फरमाए, रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब करार दे देता है। ये हुआ कि ये नहीं है किसी आपके बेटे का हक अदा करना है, भाई बेटी भी अल्लाह की नेमत है, तो आप ये नहीं सोचोगे यही मुझे कमा के देगा, यही मेरे जीने का सहारा है। खुदा की कसम ये बात हकीकत है, मेरे रसूल के आल को देख लीजिए ना, अल्लाह के रसूल के आल को अल्लाह ने चलाया तो अपनी प्यारी बेटी से चलाया, तो इससे क्या मुराद? लेकिन अगर मुफ्ती साहब किसी के पास पैसे इतने नहीं है और ये कहता है कि मैं बेटे को पढ़ा दूं क्योंकि इसने आगे अपना एक वो चलाना है और बेटी को फिर इस वजह से ना पढ़ा पाए, वो खुदा तो नहीं ना। इसमें अदालत सबसे बड़ी चीज है, मैंने पहले अर्ज किया था, आप घर में मुनसिफ हैं, आप हाकिम हैं, जो घर का मर्द है वो घर का मुनसिफ, इसी तरह माँ भी हाकिम है। एक जगह बेटा एक जगह बेटी और पैसे एक को पढ़ाने के, तो किसको पढ़ा? बता दे। नहीं, मेरे ख्याल में तो ये कि कुछ ऐसे बेहतरीन मौके पैदा किए जाए कि ऑप्शन आए हैं कि नहीं, एक को आप यूनिवर्सिटी पढ़ा सकते हैं, एक को यूनिवर्सिटी पढ़ा सकते हैं, एक को यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एक को हम नॉर्मल पढ़ाई दे सकते हैं, दोनों पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक बेटा एक बेटी है। अगर बेटी पढ़ेगी तो वो नस्लों को पढ़ा देगी और बेटा पढ़ेगा तो वो अपने आप को भी पढ़ाएगा, अपने घर को भी पढ़ाएगा। ये सिर्फ बोलने की इसका एक हल है, बहुत सबसे आसान हल है, वही अदल वाली बात आ गई, किसकी सलाहियतें ज्यादा हैं, कौन कितना क्या काबिल है, किसकी एबिलिटी ज्यादा है, ऐसा ना हो। अच्छा, पहले मेरी बात सुन ले, इसके बाद एक शख्स है, एक बच्ची है जिसका जहन ही इस काबिल नहीं है, आप उस पर लाखों रुपए खर्च करने जा रहे हैं, वो माल भी तो आपका जाया जा रहा है, दोनों जीनियस है। हाँ, दोनों जीनियस है ना, आपने बात कर दी, आप यहाँ पर देखा जाए, फिर ये देखा जाए शौक किसके साथ, फिर भी वही बात आ गई, बाप का काम तो ये कि दोनों का अदा करेगा मेरे भाई, इस्लाम बेचारे के पास तो क्या करेगा? तो बात वही मैं बता रहा हूँ कि वो जितना कर सकता है, लेकिन फिर मैं कि फिर उनमें भी देखा जाए कि अगर नहीं है तो बाप का तो हक है कि वो काम करे, कि दोनों को खिदमत में दोनों को मसावी रखे, लेकिन फिर भी मैं बात कहूंगा आपने इक्वल है, हर चीज बेहतर है। फिर सबसे आसान हल है जब मैं कहता हूँ,
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مشورہ ہے، اللہ سے رجوع فرمائے۔ اسلام نے بڑے پیارے سے آپ استخارہ کر لیں، مثال نہیں دی میں نے، آپ استخارہ کر لیں نا، اب اللہ سے رجوع چلے۔ آپ نے بیٹی کو پڑھا دیا، ٹھیک ہے، بیٹی کو پڑھا دیا، بیٹی کی شادی ہوئی، وہ اپنے گھر چلے گی۔ اب بیٹا جو ہے اس نے نہ وہ پڑھ پایا، اور پھر اس کے اندر ایک احساس، بیٹے کی شادی، میری بات ختم ہونے دیا پہلے نا، اس کے دل میں ایک احساس محرومیت آ گئی اور وہ نسلوں کے نسلی دبا کر دی اس نے۔ پھر اچھا بیٹا، بیٹے کی شادی ہو گئی اور بیٹا جو ہے نا وہ بہو سے لے گئی، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ نہیں یہ تو دیکھیں، آپ نے یہ تو آپ ایک ایسی بات، مثال دوں نا آپ کو، دیکھیں بات صحیح ہے، پرایا دھن یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر یہ یاد رکھیے گا، بیٹا بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، نعمت ہیں، بے شک۔ اور دوسری بات، جس کو ساتھ نبھانا ہوتا ہے نا، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا، وہ نبھاتا ضرور ہے۔ اور عرف عام میں دیکھا جائے تو آج کی دنیا میں بیٹوں سے زیادہ، میں خود لڑکا ہوں ایک بار، لیکن میں ضرور کہوں گا بیٹیاں زیادہ ساتھ دے رہی ہوتی ہیں، بر اس کے کہ بیٹے زیادہ ساتھ دیں۔ ایک بات جو آپ نے کہی نا کہ بھائی تو میں آپ سے کانفلکٹ کروں گا کہ بیٹے کے ساتھ دیں، نہیں نہیں، جمہور کی بات کر رہا ہوں، آپ جیسے کچھ بیٹے، آپ کے آپ جیسے ہوں کچھ لوگ ہوں گے، لیکن آج کے دور میں حق بات یہ کہ بیٹیاں زیادہ ساتھ دیتی ہیں ماں باپ کا، یہ نظر آتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اسلام کی روح سے بات کر رہا ہوں، میں دنیاوی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں ایسا ہے، لیکن بات آپ کی یہ ہے کہ بھائی بیٹی ایک ہو اور بیٹا ایک ہو، آپ ان دونوں میں کس کو پڑھایا جائے؟ تو حق دونوں کا یہ، دونوں کو ساتھ رکھا جائے گا، جتنا پیسہ نا ضروری نہیں ہے وہ لگژری اسکول میں پڑھائے۔ دیکھیں پڑھنے والے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھ کے بھی قابل بن جاتے ہیں۔ میرے دماغ میں آیا کہ اگر آپ پرائیویٹ اسکول میں ایک کو پڑھا رہے ہیں نا، اس کو پرائیویٹ میں نہ پڑھائیں، گورنمنٹ میں دونوں کو پڑھائیں۔ ایک سوال کا ذرا مختصرا اگر جواب دے دیں کیونکہ بریک ہے۔ ایک جو بڑا بیٹا ہے اس کو پڑھا دیا، وہ پڑھ لکھ کے نوکری پہ لگ گیا، اب پیچھے جو پانچ بہن بھائی ہیں نا، ان کو پڑھانا بھی اس نے، شادی بھی اس نے کرنی ہے، اور جب تک بہنوں کی شادی نہیں ہوگی وہ 40 سال کا ہو جائے گا جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ نہیں تو اسلام تو کہتا ہے کہ نکاح کو بھی آسان بنایا جائے، شادی بیاہ کو بھی آسان بنایا جائے، جلدی کہہ دیا۔ ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ گناہ آسان ہو گیا، شادی نہیں تو، لیکن یہ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو یہ ہے کہ بہنیں بھگتیں گی، سب ہوگا، اس کے بعد جا کے جو بچے پڑھانا پڑے گا، تمہیں پڑھایا ہم، بھائی تم نے نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، تمہیں آپ نے دینی ہے، اس کا سب کچھ کرنا ہے۔ یہ جو ایک بڑی اولاد ہے جس پہ بہت پریشر ہوتا ہے، یہ انصاف ہے؟ اسلام کا نظام نہیں ہے، یہ معاشرے کا جو ہے نا، جو سماجی اور جو ہمارا نظام ہے اس کا فقدان ہے، کیونکہ ہمارا ماحول اس میں کہیں نہ کہیں ناانصافی ہو رہی ہے۔ دیکھیں اسلام تو ایسا مطلب سارا سر آپ کے ساتھ ہوئی نا، سراسر ناانصافی۔ اسلام کا اتنا پیارا مذہب ہے، حضرت میرے آقا علیہ السلام کی عمر 25 سال ہے، میرے آقا علیہ السلام جو پہلی شادی کر رہے ہیں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر کیا تھی؟ تو آپ اپنی عمر سے زیادہ بڑی عورت سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ اسلام تو اتنا پیارا دین ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہاں بھی مساوی، کہ اگر انسان جوان ہے تو بڑی عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے، اور پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات کو دیکھ لیجئے۔ تو اسلام ہر چیز آپ کو واضح کر رہا ہے، لیکن سماجی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو صورتحال ایسی ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بھائیوں کو نبھانا چاہیے، لیکن ساری ذمہ داری اسی کی نہیں ہے کہ آپ اس پہ تھوپ دیں۔ اسلام اور بیچارے کی شادی بھی نہ کریں۔ ایک بریک آ گیا، یہاں پہ بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو کنٹینیو کرتے ہیں۔ رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت تک تو ہم ایسے ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اب ہم ساری ذمہ داری جو ہے وہ سپرد کرتے ہیں شہری، اور اس وقت ہمارے ساتھ آج دو نہیں تین نئے مہمان موجود ہیں، ایک کا انٹروڈکشن شروع میں ہو گیا تھا اور دو اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن تینوں کا انٹروڈکشن ہم لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زریاب۔ اچھا تو آپ پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہیں؟ جی پکی بات ہے، رکھنے جا رہے ہیں۔ اس سال کا پہلا روزہ، اس سال کا پہلا روزہ، پچھلے سال رکھا تھا آپ نے؟ جی۔ کیا بات ہے، پورا رکھا تھا؟ پورا رکھا تھا۔ اتنا ابھی آپ سوچ سوچ کے کیوں بول رہے ہیں؟ کیا چکر ہے؟ کیا چکر ہے اتنا سوچ سوچ کے بول رہے ہیں آپ؟ یا امی نے کہا ہے کہ بس رکھ لو آج؟ یہ سرپرائز ہے، میرے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ مجھے رکھنا ہے۔ یہ جتنے بھی پیچھے روزے گزرے ہیں کہ روزانہ اس نے ایک دن رات کو 11:30 بجے کھانا کھا کے سو گیا، صبح اٹھ کے نہیں مان رہا تھا کہ میرا روزہ ہے۔ تو میں کہا اتنا لمبا روزہ ہے، گرمی ہے، بڑے لوگ نہیں کر سکتے اتنی لمبی سحری کے مطلب ساتھ، تو تم آج چھوڑ دو، پھر کسی دن روزہ پورا ہوا نہیں ہوا نہیں، پھر میں نے اس کو کھلا دیا، مگر آج ہی رکھے۔ اور ایک بڑی پیاری سی بچی ہمارے ساتھ موجود ہے اور بہت اچھا یہ اسکارف لے کر آئی ہے، ان سے پوچھتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مائرا۔ اچھا تو مائرا آج آپ اپنا پہلا روزہ رکھ رہے ہیں؟ رکھ رہی ہیں پہلا روزہ، تو سحری وحری آپ نے کیا کی ہے مجھے بتائیں؟ سالن روٹی کھائی۔ اچھا تو کون سی کلاس میں آپ؟ ون کلاس میں۔ اور یہ میرے
लेफ्ट हैंड पे एक और बच्चा मौजूद है, आपका नाम क्या? हुज़ैफ़ा शराफ़त। एकदम से दो साउंड बाइट हल्के थे, एकदम तेज साउंड बाइट। अच्छा हुज़ैफ़ा शराफ़त, हुज़ैफ़ा शराफ़त, तो आप खुद भी शरीफ हैं या शैतान है? शैतान तो नहीं, शरीर शरारतें करते हैं? कम कम, हाँ बिल्कुल नहीं करते, पता ही नहीं चलता होगा शरारतें होती हैं। कोई बच्चा शरारत, हर बच्चा यही कहता है, हर बच्चा यही कहता है। किस शरारत पे अमूमन डांट पड़ती है आप? खेल कूद तो शरारत है, खेल कूद में क्या करते हैं सब? बस चक्के वाला खेलते हैं, किसी को मारने वाला। हाँ मारने वाला भी शरारत, उसमें चोट लगती है। तो आज आप भी अपना पहला रोजा रखें? जी पहला रोजा रखा। तो आपने क्या सहरी? अंडा पराठा। अरे वाह वाह भाई। अच्छा एक मैं आपको और बात बताऊँ की मायरा आएंगी, नाद भी सुनाती हैं और बड़ी अच्छी इनकी माशाल्लाह आवाज है, इनसे थोड़ी सी नाद भी सुन लेते हैं। चलें जी मायरा, चलें मायरा थोड़ी सी आप हमें नाद सुनाएं। बिस्मिल्लाह। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफा आ गए, ये बन के मौजे करम मुस्तफा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफा आ गए। ये तो एक और टैलेंट हमें अभी मायरा के पास। इतनी नाजुक है खुद, इतनी नाजुक आवाज। अच्छा आप ये बताएं आप बड़ों के क्या बनेंगे? पायलट। अच्छा मैंने कहा दोनों अम्मा अब्बा डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही ना बने। वही कहते हैं आपको इतना पढ़ते रहते हैं, बनेंगे आप ही बताएं। आपके अब्बू भी डॉक्टर, अम्मी भी डॉक्टर है, आप क्यों नहीं डॉक्टर, क्यों नहीं बने? मामा ज्यादा पढ़ाई करेंगे। अच्छा एक बात बताएं, जब तबीयत खराब होती है तो अम्मी को दिखाते हैं अब्बू को, किसको ज्यादा आप मानते हैं कि ये बड़ा डॉक्टर है? आराम से बात। किसकी दवाई को आप ज्यादा रेकमेंड करते हैं? मामा की दवाई। मामा 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 क्यों, बाबा क्यों नहीं? अच्छा शहरी उस दिन आपने मेरे बच्चे से सवाल किया था और मेरी बेटी ने बोला था मामा, और आज वो ताने सुन रही थी तो कहने लगी तो मैं क्या करती, वो मुझे क्या सुना ही देते थे। अच्छा आप क्या बनेंगी मायरा? हाँ इंजीनियर। इंजीनियर बनेंगी आप? इंजीनियर बनेंगे। और आप? इंजीनियर। दोनों सोच के आते ये बोलना है? सोच के आते ना, बच्चे जब इनको बुला रहे हैं रास्ते में प्लानिंग करते हुए आते हैं ये बोलना। तो ये तो लड़की ने अच्छी बात है बोला, वरना लड़कियां बोलती हैं डॉक्टर, लड़के बोलते हैं इंजीनियर या पायलट। बचपन में पूछते थे आप भी ये बोलती थी डॉक्टर? बिल्कुल वाकई बोलती थी, मतलब वो संभालती है जो भूत चला हुआ था ना कि डॉक्टर बनना है, तो वो शुरू से आज तक वैसे ही बोल ही देता है इंसान डॉक्टर डॉक्टर टीचर, फिर उसको रियलिटी का एहसास होता है। जहाज के बनेंगे, जहाज के पायलट बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों के लिए दोस्त के तो नहीं, यहाँ पर गिफ्ट्स हैं बहुत सारे, ये आपके लिए हैं टारगेट बुक यूनिफॉर्म की। वाओ वेलकम, ये आपके लिए टारगेट बुक फॉर सीट पाकिस्तान की जानिब से भी आप लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं। मेरा भाई छोटा है, आपसे छोटा भाई मांगेगा तो देंगे क्या करेंगी? हाँ बड़ी बहनें दे देती हैं, बड़ी बहनें जो है ना वो बड़ी शफीक होती हैं, बड़ी शफीक होती हैं, बड़े भाई जो है ना वो करते शरारते, बड़े भाई बड़े उस क्या बोले वो प्यार दिल में छुपा हुआ होता है, बस इजहार नहीं होता, जब पता नहीं कब शो करता है, शहरी को नजर नहीं आया, बहन की रुखसती हो रही होती है ना बस, बहन की जब रुखसती हो रही होती है तो प्यार आता है बहन पे, बस सारी मोहब्बत नहीं नहीं बहनें जो होती है, कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बड़ा भाई भी हो बड़ी बहन भी। हाँ तो मेरी जो बड़ी बहन है वो बेचारी बड़ी स्वीट थी, हमें अब्बू से पिटने से ही बचा दी थी। हाँ। तो बड़ा भाई जो था वो एक दफा उसने चमचा गरम करके मुझे लगा तो ये दिनों, तो इस वजह से मुझे याद आ गई। अच्छा बड़ी बहन कितना डिफरेंस है उनका? 4 से 5 साल बड़ी है। अच्छा। लेकिन बड़ा केयर करना और बड़ा एक आज तक बड़ा माशाल्लाह है। और जो भाई है वो तो जाहिर है वो हरकतें उसकी खत्म हो गई, लेकिन उसने बचपन में जुल्म बहुत किया ना, तो वो जुल्म अभी तक मतलब ऐसे नहीं है, छोटा तो छोटा ही होता है ना, मतलब कोई काम करता है मुझसे वो ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर फिर भी जैसे घर में कोई काम है वो रह गया पेंडिंग है तो वो आपको नहीं बोलते थे अभी भी कि भाई तुम देख लेना ना तुम करा, अब ऐसा कुछ नहीं होता। लतीफा पढ़ा था कि दुनिया अल्लाह ताला कुछ भी बना दे, कुत्ता बना दे बकरा बना दे, लेकिन वो छोटा सीरियसली वो ये बड़ा होता है, छोटा होने के फायदे भी हैं, बड़े भाई जो नहीं कोई फायदे नहीं है सीरियसली। आपको अम्मी ने बहुत प्यार नहीं किया? वो तो सबको ही करता है, वो सबको लाडला ज्यादा होता है, कोई लाडला नहीं होता, कुत्ता भी वही भाइयों के हक़ भाइयों के। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ तो मैंने बहुत एंजॉय किया लड़कियाँ। अच्छा आप फिर रोक टोक और आपका सारा एग्जाम में क्या है, पढ़ाई कैसी है, सब पे बहुत नजर होगी? सब पे नजर होती है। दूसरी चीज ये होती है जो बड़ा भाई होता है ना वो जरा बस
बड़ा ही बनता है छोटे से कहते हैं हर काम छोटे से कहते हैं नहीं मैं इतना भी सीधा नहीं था काम करता रहो जी मैंने कहा वालिदैन का रुझान भी बड़े भाई की तरफ ज्यादा होता है रुझान तो दोनों की तरफ होता है लेकिन पिटते वक्त जो है वो दोनों की तरफ हो जाता है पिटते वक्त दोनों की तरफ होता था हरकत कोई भी करे पिटना दोनों ने तो पिटना दोनों ने वो शहरी की जो बात है यहां तो इंसाफ है ना इस बात पे मुझे अफसोस है दिल से नहीं नहीं बात पे तो मैं भी इंसाफ है ना मेरी पूरी हमदर्दी है मतलब नहीं भी गलती तो हमदर्दियां उस वक्त बचपन में किसी ने नहीं की हमदर्दी अब कर रहे हैं अच्छा अब वैसे आपके भाई आपके प्रोग्राम देख के कॉमेंट करते हाँ अब तो बहुत स्वीट है अब स्वीट हो गए कॉमेंट करते हैं आपके यूं था अच्छा था ये था बिल्कुल अब तो जाहिर है अब वो नहीं रहा बहरहाल ये तो बचपन की बात थी लेकिन उस वक्त मैं वो बड़ा ये करता था कि जैसे अगर अम्मी ने दो बॉलें दिलाई तो मेरी चीजें मेरी आती चीजें संभाल के रखने की अपनी घुमा के आगे मेरी चुपचाप ले आगे घुमा दे बहुत किया उसने तो मुझे याद आ गई नहीं ये बड़े भाइयों का है वैसे ये चक्कर जो है ना अपनी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी बहुत होता है अपनी चीज से खेलने नहीं देना और छोटे की चीज से खेलना जरूर है उससे जरूर खेलना तो ये है। जख्म है हाँ, कोई बात नहीं चले तो खैर बहुत सी दुआएं यहाँ पर कारी साहब और मुफ्ती साहब ने आपको ब्रेक में भी दी बिल्कुल तो वो दुआएं भी दुआओं का सिलसिला दुआओं का सिलसिला दुआएं रखना चाहिए हम सबकी दुआएं भी आपके साथ दुआएं सबकी दुआएं आपके साथ और आज तो वो है ना कि मतलब जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात जो कि वैसे ही बहुत फजीलत की हामिल है 25वीं शब्बे कदर है जुम्मतुल विदा है तो जो भी दुआ है अभी भी आखिरी लम्हात है मैं यही सोची थी दिल में जल्दी जल्दी मांगना है जो मांगना है और सब अपना ख्याल रखिए दुआओं में भरपूर याद रखिए आपसे फिर मुलाकात करेंगे हमारी ये ट्रांसमिशन को अब चंद ही दिन रह गए तो हमारा साथ इसी तरह देते रहिए अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़